Good morning, everyone. Is it audible? Good morning, Rashi ji, Sonia ji, Vishal ji, very good morning. Good morning, Neelima ji. Is it audible? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Very good morning, Noresh ji, very good morning. कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग शबनम जी, वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई एम हियर विद यू विद अनदर गेट क्वेश्चन पेपर. 2014 का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजुअल. जैसे हम लोग सारे 2010 से लेके अभी तक जैसे हम लोगों ने सारे पेपर्स डिस्कस किए हैं, उनसे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं, ठीक उसी तरीके से हम मैं ठीक हूँ नीलिमा जी, आई एम वेरी फाइन. आई होप आप लोगों की गेट की तैयारी अच्छी चल रही हो, गेट के एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही हो. वेरी गुड मॉर्निंग प्रभात जी. तो सभी लोग प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि और लोग भी ज्वाइन कर लें. सभी लोग प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए. तो आज जिस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यस वेरी गुड मॉर्निंग. तो आज हम लोग जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, इट इज गेट 2014 बॉटनी सेक्शन को हम लोग डील करेंगे. एज यूजुअल सारे क्वेश्चंस को देखेंगे प्लस उनसे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे. इज इट क्लियर? ठीक है, आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? आवाज और वीडियो क्लियर है कि नहीं? तो शुरू किया जाए. शैल वी बिगिन? ओके, थैंक यू सो मच प्रभात जी, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. आप लोग लेक्चर्स पसंद करते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो सभी लोग प्लीज शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया पे ताकि और लोग ज्वाइन कर लें. वेरी गुड मॉर्निंग सोनिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बॉटनी सेक्शन. पहला क्वेश्चन देखिए, आई रीड इट फॉर यू. प्लांट विच ग्रोज अटैच टू अनदर प्लांट स्पीशीज बट इज नॉट अ पैरासिटिक. नॉट अ पैरासाइट होना चाहिए यहां पे, नॉट अ पैरासाइट. एक ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट स्पीशी पे ग्रो तो करता है बट पैरासिटिक नहीं होता है या पैरासाइट नहीं होता है इज नोन एज. वेरी नाइस, नीलिमा जी का आंसर आ गया है. वेरी नाइस, और भी सभी लोग आंसर करिए. यस वेरी नाइस, वेरी नाइस, और भी सभी लोग आंसर करते रहिए, और भी सभी लोग आंसर करते रहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोफाइट की. आंसर क्या है वो तो सेकेंडरी है, बट सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस क्लियर करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज एन एंडोफाइट? कोई बताएगा? कोई बताएगा एंडोफाइट क्या है? एंडोफाइट, एनीवन? एक लाइन में या एक छोटी सी लाइन में आप इसकी डेफिनेशन दीजिए. व्हाट इज एन एंडोफाइट? या एक वर्ड में भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं एंडोफाइट को. एनीवन? यस एनीवन? तो एंडोफाइट की अगर हम बात करें, सो इट इज मेनली अ एंडोसिम्बियोंट. एंडोसिम्बियोंट, एंडोसिम्बियोंट का क्या मतलब है? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म. ओके, एक प्लांट के अंदर और एक प्लांट, नहीं ऐसे नहीं कह सकते हैं. देखिए प्लांट की तो बात अलग है, बट ये एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, ये एनिमल के लिए भी हो सकता है. सो दैट लिव्स विद इन अ प्लांट एटलीस्ट इन एनी पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. किसी भी पूरे लाइफ साइकिल में, कोई भी एक स्पीशीज की एंटायर लाइफ साइकिल में कोई अगर दूसरी स्पीशीज उसके अंदर ग्रो करती है, वेदर इट बी प्लांट और एनिमल, दोनों ही हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकते हैं. तो एक किसी भी स्टेज पे, पूरी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज पे अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर, देन इट इज नोन एज अ एंडोसिम्बियोंट. सच एज एजोला के अंदर एनाबीना, ये हो सकता है. यस यस, तो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अंदर ग्रो तो करता है बट इट डज नॉट कॉज डिजीज. ये याद रखेंगे, इट डज नॉट कॉज डिजीज.
डिजीज, यानी ये भी पैरासिटिक नहीं होता है. इट ग्रोज इनसाइड, दैट इज ट्रू, बट इट इज नॉट पैरासिटिक. इट इज नॉट पैरासिटिक. तो एंडो वर्ड से आपको ये याद रखना है, इट ग्रोज इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म बट इट इज नॉट डिजीज कॉजिंग और इट इज नॉट पैरासिटिक. इज इट क्लियर? समझ में आ रही है ये चीज? नाउ नेक्स्ट इज योर हैलोफाइट. हैलोफाइट, यस, व्हाट आर हैलोफाइट्स? एनीवन? हैलोफाइट क्या है? हैलोफाइट क्या है? तो सभी ने वर्ड सुना होगा हैलोफाइल्स. हैलोफाइल्स अगर आप वर्ड से नोन है तो आप हैलोफाइट भी समझ रहे होंगे. यस, वेरी नाइस. दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स. सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन हाई सैलिनिटी. ऐसे प्लांट्स जो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और हाई सैलिनिटी एरिया में ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज हैलोफाइट्स. यस, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी नाइस. नाउ टॉकिंग अबाउट एपीफाइट, तो सभी ने आंसर एपीफाइट दिया था, तो एपीफाइट तो आप सभी लोगों को क्लियर होगा. अ प्लांट और अ स्पीशीज दैट ग्रोज ऑन अनदर स्पीशीज बट इट इज नॉट पैरासिटिक. क्यों? क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं फ्रॉम द एयर और सराउंडिंग्स. यानी जिस स्पीशीज या जिस प्लांट पे ये ग्रो कर रहे हैं उससे अपना न्यूट्रिशन ना लेके, क्योंकि अगर उससे लेते तो उनको पैरासाइट टर्म दिया जाता, बट उससे अपना न्यूट्रिशन ना लेके ये एयर, विंड या सराउंडिंग से या वाटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, हेंस दे आर नोन एज एपीफाइट. यस, ऑर्किड्स इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट. नाउ टॉकिंग अबाउट लीथोफाइट, तो लीथो से टर्म आता है आपका सॉइल या रॉक से, रॉक्स. So the plant species that grow on barren rocks or soil, they are known as lithophyte. Yes, on stone or rocks, soil, stone or rocks, they are known as your lithophyte. तो सारे सभी clear है? सारे options clear है क्या? Bare rock or stone लिख लीजिए. Lithophyte के लिए the plant species that grow on bare rock or stone. Is it clear? तो endophyte हो गए आपके organism के अंदर रहने वाले, which are known as endosymbionts. Then halophytes that live in extremely high salty condition, high salt condition. Then epiphyte which grows attached to another plant species, but they are not parasitic. And then lithophyte which grows on barren rocks. Is it clear? समझ में आया सारे points? सभी clear है? Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्लियर है तो. यहां पे ये है साइब्रिड का क्वेश्चन, देखने की कोशिश करिए. एन आइडियल साइब्रिड शुड हैव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग व्हाट इज अ साइब्रिड. साइब्रिड क्या है एंड हाउ इट इज मेड? एनीवन? जितने लोग भी देख रहे हैं रिप्लाई करते रहिए. करेक्ट आंसर प्रियंका जी बाद में देखेंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि साइब्रिड है क्या और ये कैसे बनता है. व्हाट इज साइब्रिड एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड? यस, एनीवन बताइए, ट्राई करिए. व्हाट इज साइब्रिड? साइटोप्लाज्म फ्यूजन. वेरी नाइस. So they are mainly cytoplasmic hybrids. ये बनते कैसे हैं? तो क्या किया जाता है, एक सेल लिया जाता है with cytoplasm, nucleated cell, उसका न्यूक्लियस भी उसी के साथ रहता है. So cytoplasmic nucleated cell लिया जाता है. Yes. One cell containing nucleus and cytoplasm and another cell having only cytoplasm, non-nucleated cells or cytoplasm. यानी एक सेल अगर हम ले, एक एंटायर सेल ले जिसमें उसका न्यूक्लियस भी हो प्लस साइटोप्लाज्म भी हो, और उसको फ्यूज कर दें हम नॉन न्यूक्लिएटेड सेल के साथ जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म ले, सो दैट इज नोन एज साइब्रिड. तो ऑप्शंस में देखिए,
ऑप्शंस में देखिए तो न्यूक्लियर जीनोम, जिसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस एक ही सेल में होगा, तो न्यूक्लियर जीनोम विल बी फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट। ये बात समझ में आ रही है, न्यूक्लियर जीनोम एक पेरेंट का होगा और साइटोप्लाज्मिक जीनोम दोनों पेरेंट्स का होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यस एवरीबडी हैज आंसर्ड करेक्टली। सो न्यूक्लियर जीनोम प्रीडोमिनेंटली और एक्सक्लूसिवली फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट्स एंड साइटोप्लाज्मिक जीनोम इक्वली फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, दोनों ही का साइटोप्लाज्मिक जीनोम उसके अंदर होगा जो भी साइब्रिड बनेगा फ्यूजन के बाद। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट बताते रहिए, आंसर करते रहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फंगल सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्लांट सेल। तो ये आपकी गेट में जो आपका सेक्शन टू है, सेक्शन टू है, वहां से ये क्वेश्चन है जिसमें आपका सिलेबस में है प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंस। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा गेट का, तो प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंसेस इसको पढ़ लीजिएगा। अपने पेपर में जाने से पहले, पेपर देने से पहले आप ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन टू में आपके प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंसेस है सिलेबस में, तो ये मेनली उसी से है। प्लांट सेल और फंगल सेल का यहां पे कंपैरिजन किया गया है, तो यहां पे आपको बताना है लैक, किस चीज की कमी होगी फंगल सेल में, एंड देन हैविंग लेस अबंडेंट। मैं ठीक हूं शुजा जी, आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन। और जिस किसी को भी, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो, हमारा क्रैश कोर्स बैच ऑलरेडी चल रहा है दिसंबर से, तो द वंस दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉल ऑन द नंबर, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। दिसंबर तो अब निकल गया, तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, प्लस आपको लाइव क्लास मिलेगी जनवरी तक, अभी पूरा जनवरी बचा हुआ है। तो क्रैश कोर्स बैच चल रहा है हमारा, दैट इज अ पेड बैच, दैट्स अ पेड बैच। So the ones, those who are interested can join. Okay? Okay. Okay. तो बताइए, आंसर बताइए। ओके, ए, बहुत लोगों ने ए आंसर किया है, सो वेरी करेक्ट, यू ऑल आर वेरी करेक्ट। तो प्लास्टिक की प्रेजेंस, प्लास्टिक की प्रेजेंस, अगर जब आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे, तो प्लास्टिक की प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है। सो ड्यू टू लैक ऑफ पी, यानी लैक ऑफ प्लास्टिड, यानी फंगल सेल में देयर विल बी नो प्लास्टिड एंड हैविंग लेस अबंडेंट क्यू वैक्यूल्स, कुछ अमाउंट में, वैसे तो वैक्यूल्स प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, बट कुछ अमाउंट में एनिमल सेल्स में सच एज इन फंजाई वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड। सो प्लास्टिक एंड वैक्यूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब इंफॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में ही मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। सो जो ऑप्शन बचा, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस वन। कोई भी डाउट, एनी डाउट्स इन दिस वन? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। यहां पे आपकी आरएनए इंटरफेरेंस की बात हुई है, आरएनए इंटरफेरेंस की बात हुई है। सो यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज एन इवेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो ये सभी को पता होगा, आरएनए इंटरफेरेंस इज इन्वॉल्व्ड इन जीन साइलेंसिंग, और मेनली ये किस प्रोसेस को इनहिबिट करता है? इट मेनली इनहिबिट्स ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारा एमआरएनए बनता है उससे शॉर्ट आरएनए सेगमेंट्स, जिसे हम siRNA बोलते हैं, सभी को पता होगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स जिन्हें हम siRNA बोलते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं और वो एमआरएनए के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। व्हाट आर द टू थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन आरएनए इंटरफेरेंस? यस, और वी कैन से टू सेगमेंट्स, किसी को भी ध्यान है, दो सेगमेंट्स, दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं,
यस एनीवन, पहले मुझे दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स बताइए जो इन्वॉल्व होते हैं आपके आरएनए इंटरफेरेंस में, प्रोटीन या सेगमेंट्स हम कुछ भी कह सकते हैं, एनीवन याद है किसी को? यस वेरी नाइस वेरी नाइस, ड्रोशा ड्रोशा एंड डाइसर डाइसर। तो ये पूरा आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यस वेरी नाइस वेरी नाइस, नहीं राशि जी पॉली ए टेल नहीं, ड्रोशा एंड डाइसर आर इन्वॉल्व इन आरएनए इंटरफेरेंस। सो बाय द हेल्प ऑफ siRNA स्मॉल आरएनए सेगमेंट्स द साइलेंसिंग ऑफ द mRNA इज डन। सो इट इज अ टाइप ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, ये ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन को इनिबिट करेगा। देन वर्क्स थ्रू आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, वर्क्स थ्रू आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ पी एंड क्यू विल बी करेक्ट, बोथ पी एंड क्यू विल बी करेक्ट। पूरा मैकेनिज्म आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा मैकेनिज्म आप लोग पढ़ लीजिएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो प्लांट और एनिमल दोनों ही एस्पेक्ट से आपका आरएनए इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इजी वन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इंटरमीडिएट लेवल का। फाइंड द ऑड वन आउट, यहां पे आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो पेटल, पेटल तो सभी को पता होगा, इट इज द कलर्ड फ्लोरल वॉल ऑफ इनफ्लोरेसेंस। देन सेपल, इट इज द ग्रीन ग्रीन पार्ट, इट इज द ग्रीन थिंग। देन पीटियोल, पीटियोल क्या है? इट इज द स्टॉक विद विच द लीफ इज अटैच टू द स्टेम। यस इट इज अ स्टॉक विद विच द लीफ इज अटैच टू द स्टेम। तो पेटल इज अ पार्ट ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। देन योर सेपल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का पार्ट है। देन पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ, लीफ की एनाटॉमी में पेटियोल को हम पढ़ते हैं। देन टेपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपल एंड पेटल, यानी जिन भी प्लांट्स में सेपल और पेटल में डिफरेंसिएशन नहीं होता है, देयर इज फ्यूज्ड सेपल और पेटल, जिसे हम पेरियांथ भी बोलते हैं, पता होगा सभी को, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरियांथ। व्हेन द सेपल एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड इट इज नोन एज पेरियांथ, या इसे हम टेपल भी बोलते हैं। तो टेपल, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर का पार्ट है, इनफ्लोरेसेंस का पार्ट है। तो द ऑड वन आउट इज पेटियोल बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ लीफ। इट्स अ वेरी इजी वन, यस सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, यस वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट। तो देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं, अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेशन है तो आप इजिली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, प्लांटी बॉडी इज द, व्हाट इज अ प्लांटी बॉडी? यस पेरियांथ ग्रास फैमिली में, पेरियांथ ग्रास फैमिली में। जब हम अपने क्लासेस में पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस की बात करेंगे या फ्लोरल डायग्राम की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सारी चीजें, सभी फ्लोरल डायग्राम, जितने भी फ्लोरल डायग्राम इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं, कोई भी डाउट? एनी डाउट्स टू एनीवन? नाउ प्लांटी बॉडी, व्हाट इज अ प्लांटी बॉडी? यस आंसर्स बताइए, क्वेश्चन देखिए, आंसर्स बताइए, आंसर्स बताइए, ट्राई करिए सभी लोग, ट्राई करिए। ओके सो प्लांटी बॉडी, अगर नहीं पता है तो देखिए, प्लांटी बॉडी इज अ काइंड ऑफ अ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीबॉडी, यस इट इज अ काइंड ऑफ अ एंटीबॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स that have been genetically engineered, that have been genetically engineered, genetically yani genetically engineered plant they produces a kind of a antibody, genetically engineered plants produces a kind of an antibody with animal DNA, यानी उनका जो genetically engineered plants हैं उनमें कौन सा DNA present है? With animal DNA, animal DNA उनमें incorporate किया गया है by RDT
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से जब एनिमल डीएनए इन्फ्यूज कर दिया जाता है प्लांट में टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडी, सो दैट इज नोन एज प्लांटी बॉडी। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज एन एंटीबॉडी एक्सप्रेस्ड इन ट्रांसजेनेटिक जेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक, जिसे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो जब एनिमल डीएनए इन्फ्यूज कर दिया जाता है प्लांट्स में बाय द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देन प्लांट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थिंग। सो दैट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन वी शुड से, सो दैट इज योर एंटीबॉडी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट टॉक्सिन, पर्टिकुलर टॉक्सिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। सच एंटीबॉडीज प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टॉक्सिन। इज इट क्लियर? क्लियर है। एनी डाउट्स इन दिस वन? नेक्स्ट पे मूव करें, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। ओके, इन अ टिपिकल ऑयल सीड क्रॉप द मैच्योर सीड्स आर एनरिच्ड विद, यानी यहां पे बात हो रही है ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड क्रॉप की, सो मैच्योर सीड्स आर एनरिच्ड विद विच काइंड ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, गैलेक्टोलिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, ओके, नीलिमा जी कह रही है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, देख लेंगे, बाकी सभी लोग भी आंसर करिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, वेरी गुड मॉर्निंग सुमित्रा जी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन है तब तो आप अटेम्प्ट करिएगा, बट नहीं इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करिएगा। ओके, सभी लोग बोल रहे हैं ए, ओके, बाकी सभी लोग भी बताइए। ओके, फॉस्फोलिपिड्स, ओके, वेरी नाइस, बट यस, वेरी नाइस, अब सही आंसर आया है। सो द करेक्ट आंसर इज योर सी। आई टोल्ड यू ना कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में अगर हमें पता है तो पता है, नहीं पता है तो वी कैन नॉट hidden trial with this one. So phospholipid is incorrect. Phospholipid नहीं होगा, आपकी neutral lipids will be present. यानी कि कोई भी charged group, such lipids that have no charged groups attached to their lipid chain. तो कोई भी charged group नहीं होगा. This is a hydrophobic moiety. क्योंकि इनमें कोई भी charged group present नहीं होगा. It's a kind of hydrophobic moiety. So no charged groups will be attached to your neutral lipids. So C will be the correct answer. इसमें कोई भी explanation भी नहीं involve हो सकती है. So mature seeds, as it is, याद रखने की कोशिश करिए, mature seeds, they are rich in neutral lipids. They are rich in your neutral lipids. और इसके example क्या हो सकते हैं? Example हो सकते हैं आपके mustard oil, then your can be rapeseed oil, canola oil, such crops are your oil seed crops. Then groundnut can also be an example. ग्राउंड नट, जितने भी सारे आपको ऑयल मिलते हैं ना, मस्टर्ड, रेप सीड, कनोला, ग्राउंड नट, सो दीज ऑल आर ऑयल सीड क्रॉप, दे आर टिपिकल ऑयल सीड क्रॉप्स एंड दे आर एनरिच्ड विद योर न्यूट्रल लिपिड्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको यहां पे प्लांट स्पीशीज को मैच करना है विद देयर प्रोडक्ट्स। वेरी नाइस। तो अगर आप एक भी जानते हैं तो आप बाकी सारे मैच कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जानते हैं कि सैफ्रन, सैफ्रन की प्लांट स्पीशीज है आपकी क्रोकस सटाइवस, सटाइवस दैट इज P3, बट P3 इज प्रेजेंट इन दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, सो वी नीड टू लुक फॉर क्यू, हमें क्यू भी देखना पड़ेगा. सो गैम्बोज विच इज अ काइंड ऑफ योर गम रेजिन, गम रेजिन, इट इज फाउंड इन प्लांट गार्सिनिया, गार्सिनिया स्पीशीज, गार्सिनिया. सो दैट्स द फर्स्ट वन, Q1. सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. एक दो भी अगर आप करेक्टली मैच करने की कोशिश करेंगे ना तो बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. देन लिटमस, इट इज इन रोसेला टिंक्टोरिया, रोसेला टिंक्टोरिया. देन टर्मरिक, कर्क्यूमा स्पीशीज, कर्क्यूमिन, इसमें एक कंपाउंड होता है विच इज कर्क्यूमिन. तो ये टर्मरिक का तो सभी को याद होगा, टर्मरिक का सभी को याद होगा. तो अगर इफ यू रिमेंबर फॉर टर्मरिक, अगर आपको ये पता है कि टर्मरिक इट इज फाउंड इन प्लांट कर्क्यूमा स्पीशीज S4, तो यहां पे और किसी भी ऑप्शन में S4 नहीं है, सो डी विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट. ओके, सुमित्रा जी बोल रही हैं, मैम आप और मोर क्लास लिया करो प्लीज मैम, क्लासेस अच्छी लगती हैं प्लीज मैम. ओके ओके, एक्चुअली द थिंग इज, देखिए गेट से रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी बायोटेक की क्लास होती है, देन बायोप्रोसेस की क्लास होती है, देन जूलॉजी की भी क्लास होती है, बायोकेमिस्ट्री की भी, तो सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं. इसलिए रोज क्लास लेना तो नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन, है ना, हमारे पास जो सिस्टम है वो भी लिमिटेड है, प्लस टाइम ड्यूरेशन भी लिमिटेड है. So, but I can assure you this that I'll be completing all your papers. हमने जो शुरुआत की है तो हम उसको गेट एग्जाम से पहले खत्म करने की कोशिश जरूर करेंगे. Is it clear? ठीक है सुमित्रा जी, is it fine? So need not to worry, I'll complete all your papers. आज हम 2014 का डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही हम सारे पेपर्स खत्म करेंगे. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. तो आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, प्लस बेल आइकन पुश करिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. जब भी क्लास होगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कोई भी डाउट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन देखिए, प्लांट हॉर्मोन से मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, 6 to 7 लेक्चर्स आर देयर ऑन योर यूट्यूब. CSIR रिविजन के लिए मैंने सारे लेक्चर्स लिए थे, तो आप सभी लोग अपने गेट के एग्जाम से पहले, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दोज लेक्चर्स. आप प्लांट हॉर्मोन को प्रिपेयर करने के लिए अगर आप वो सारे लेक्चर्स देख लेते हैं, देन योर प्लांट हॉर्मोन विल बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि गेट के भी सिलेबस में है आपके सारे हॉर्मोन्स. तो उसको रिवाइज करने के लिए या उसको प्रिपेयर करने के लिए यू शुड लुक ऑन दोज लेक्चर्स. इज इट क्लियर? टाइम मिले तो जरूर देखिएगा. ओके, ICMR रिजल्ट कब आएगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. ओके, प्लस ये आपका जो नाम है दैट इज लाइक वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ, आई शुड नॉट से दैट, बट प्लीज आप अपना यूट्यूब का जिस भी नाम से आप रख रहे हैं उसको ठीक कर लीजिए. देखिए, वी कैन जस्ट ट्राई, एज अ ह्यूमन बींग्स वी शुड ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, यू शुड नॉट यूज सच नेम, अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए, बाकी होना ना होना दैट इज सेकेंडरी, बट कोशिश करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, whosoever you are, okay, that's just my suggestion, rest is your choice. The next one, the semi-dwarf trait of corn, wheat and rice plants. तो यहां पे बात हो रही है लेंथ की, लेंथ की, और पहले ही वर्ड से अगर लेंथ की बात हो रही है, yes, you should change your name, you should change your name, be positive, everything will be good. नीड नॉट टू वरी, आप अपना काम करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन. इज इट क्लियर? तो आई होप आप अपना नाम चेंज कर दें, आई होप आप अपना नाम चेंज कर देंगे, whosoever you are. Now, तो जब यहां पे लेंथ की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले क्लिक करना चाहिए ऐसा प्लांट हॉर्मोन जो लेंथ रेगुलेट करता है, स्टेम लेंथ रेगुलेट करता है प्लांट की, दैट इज योर जिबेरेलिन, जिबेरेलिन. तो बाकी पढ़ने की तो हमें जरूरत भी नहीं है, तो पूरा इफ वी रीड
Wheat and rice plants used in breeding program during 1960 resulted in green revolution. Later, this green revolution gene has been identified to be involved in either signal transduction pathway or biosynthesis of your gibberellin. तो इसको green revolution gene, the genes involved in gibberellin synthesis. कोई मुझे बताएगा कौन-कौन से genes involved होते हैं? किसी को भी याद है? Gibberellin biosynthesis में. Gibberellin biosynthesis में. नेम बताइए मुझे. मैंने पढ़ाया है, मैंने अपने YouTube लेक्चर में बताया है आप लोगों को. Gibberellin biosynthesis जीन नाम बताइए, नाम बताइए. टेल मी द नेम्स द जीन्स इन्वॉल्व्ड इन Gibberellin biosynthesis. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. RHT, देन योर LSNA, यस, स्लेंडर जी, SLN, बहुत सारे होते हैं. LSNA, और भी कौन से होते हैं? और भी होता है, और भी याद है किसी को? और भी याद है? यस, और भी याद है क्या किसी को? यस, सो बहुत सारे जीन्स होते हैं. देन दिस इज योर रिड्यूस्ड हाइट. देन LS जीन इन्वॉल्व होता है बायोसिंथेटिक प्रोसेस में. जब हम देखेंगे NA जीन इन्वॉल्व होता है, SLN जीन इन्वॉल्व होता है. सभी के म्यूटेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कहां पे कौन सा जीन म्यूटेट हो जाता है, तो कौन सा इफेक्ट होता है. यस यस, वेरी नाइस. तो दैट्स व्हाट आई सेड ना, यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना. जब हमारा नजरिया अच्छा होगा तभी हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे. इज इट क्लियर? यस. सो लुकिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. द क्लासिकल मॉडल टू एक्सप्लेन द प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन. प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन के क्लासिकल मॉडल में द होस्ट विल नॉट डेवलप द डिजीज अपॉन द पैथोजन अटैक व्हेन. होस्ट प्लांट डिजीज नहीं डेवलप करेगा पैथोजन के अटैक के बाद. व्हेन, तो यहां पे दो जीन की बात हो रही है, रेजिस्टेंस जीन ए वायरलेंस जीन. तो रेजिस्टेंस जीन किस में होगा? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जीन विल बी प्रेजेंट इन द होस्ट. होस्ट में होगा रेजिस्टेंस जीन. देन ए वायरलेंस जीन किस में होगा? ए वायरलेंस जीन आपका पैथोजन में होगा. तो ये ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस जीन विल बी प्रेजेंट इन होस्ट एंड वायरलेंस जीन, ए वायरलेंस तो नहीं, वायरलेंस जीन यानी डिजीज कॉजिंग, अगर उसमें प्रॉपर्टी होगी डिजीज कॉजिंग की, तो आपका वायरलेंस जीन विल बी प्रेजेंट इन योर पैथोजन. बट अगर ए वायरलेंस जीन है यानी वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, तो अगर ए वायरलेंस जीन फंक्शनल होगा और रेजिस्टेंस जीन भी फंक्शनल होगा, तो किसी भी हाल में द होस्ट प्लांट विल नॉट डेवलप द डिजीज अपॉन द पैथोजन अटैक. यस, डी. Am I audible to you now? अभी ठीक है? बीच में कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी ठीक है? आवाज आ रही है आप लोगों को? इज इट फाइन नाउ? कैन वी कंटिन्यू? ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ योर 2 marks questions आ देयर. ओके, फाइन. थैंक यू सो मच. तो 2 marks क्वेश्चन है यहां पे आपके. क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द प्रमोटर कॉलम 1. प्रमोटर को मैच करना है आपको ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के साथ, देन टारगेट टिश्यू टाइप के साथ टू एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन इन अ प्लांट सिस्टम. टू एक्सप्रेस, तो एज इट इज आपका मैचिंग क्वेश्चन है. तो यूबीक्यूटिन, दिस इज इन्वॉल्व इन यूबीक्यूटिनाइलेशन. यूबीक्यूटिनाइलेशन में इन्वॉल्व होता है क्या? ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी यूज होती है यूबीक्यूटिनाइलेशन में. एनीवन? ओके, वेरी नाइस. सो मेनली न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन यूबीक्यूटिनाइलेशन. यूबीक्यूटिनाइलेशन अकर्स, इट इज ऑल्सो अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. So ubiquitination, sumolation, then acetylation, methylation, these all occur in the nucleus. And where? In the leaf.
आपका टारगेट टिश्यू टाइप क्या है? यस, इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोसेस, इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोसेस. देन नेपिन, नेपिन इट इज ऑल्सो देयर इन द न्यूक्लियस, ऑल्सो इन द न्यूक्लियस एंड बट इट इज इन सीड. द टारगेट टिश्यू टाइप इज सीड, टारगेट टिश्यू टाइप इज सीड. देन RBCL which is the gene encoding for large subunit of Rubisco, large subunit of Rubisco. Just a second. Rubisco. This encodes your large subunit of Rubisco, which is found in the chloroplast. Yes, in the chloroplast. Then the target tissue type for this is your leaf. Then RBCS is the small subunit of Rubisco. So this will also be present in the nucleus. And your target tissue is leaf. Chloroplast ke liye same rahega aapka, leaf rahegi target tissue. Is it clear? So C option is correct. क्योंकि जितने भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, वेदर इट बी एसिटाइलेशन, योर नेपिन इट इज देयर इन द न्यूक्लियस में, इसके बारे में देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा नेपिन के बारे में. सो इट इज ऑल्सो देयर इन द ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी इज देयर इन द न्यूक्लियस इट सेल्फ. इज इट क्लियर? सर्च करिए नेपिन क्या है. सभी लोग घर पे हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं. देखिए नेपिन क्या है, व्हाट इज नेपिन? एनीवन? आप लोग पहले थोड़ा सा ट्राई करिए नेपिन के बारे में देखिए. यस, एनीबडी हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेपिन? यस प्लीज सर्च कीजिए. सो ये याद रखेंगे, ये RBCL और RBCS के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा. RBCL encodes for your large subunit of Rubisco and RBCS, yes, it's a seed storage protein. Very correct. Seed storage protein. बिल्कुल ठीक है ना. तो RBCL RBCS को याद रखिएगा, ठीक है? यस, इन मस्टर्ड और ब्रासिकेसी. इसीलिए यहां पे आपका ये जो टारगेट टिश्यू टाइप है, इट इज सीड. यस, रेप सीड को ही हम मस्टर्ड बोलते हैं, तो टारगेट टिश्यू टाइप इसलिए ही आपका यहां पे सीड है. इज इट क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड टारगेट टिश्यू विल बी लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट में आपके RBCL और RBCS दोनों ही, बोथ विल बी प्रेजेंट. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. इज इट क्लियर? समझ में आया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है. देखिए, ट्राई करिए. इन अ प्लांट स्पीशीज फ्लावर कलर पर्पल इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट. यानी यहां पे बात हुई है आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. यस, स्मॉल सबयूनिट इन न्यूक्लियस एंड लार्ज सबयूनिट इन क्लोरोप्लास्ट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की यहां पे बात हुई है. यस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हुई है. तो यहां पे पर्पल है डोमिनेंट ओवर व्हाइट. वन सच पर्पल फ्लावर्ड प्लांट अपॉन सेल्फिंग प्रोड्यूसेस 35 वायबल प्लांट्स ऑफ विच 9 वर वाइट फ्लावर्ड. तो अगर हमें वाइट फ्लावर्स मिल रहे हैं F1 जनरेशन में, यानी हमारा जो भी पेरेंट प्लांट है वो प्योरली होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी होमोजाइगस डोमिनेंट. सो पेरेंट प्लांट क्या होगा हमारा, अगर हम कैपिटल पी अज्यूम करें तो कैपिटल पी स्मॉल पी, दिस विल बी योर पेरेंट जीनोटाइप ऑफ योर पेरेंट प्लांट. और उसकी क्या की गई है, सेल्फिंग की गई है.
सेल्फिंग की गई है, सेल्फिंग की गई है. सो व्हाट विल बी द प्रोजेनी? एफ वन प्रोजेनी बनाइए. एफ वन प्रोजेनी क्या होगी? कैपिटल पी देन कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी स्मॉल पी. यानी 3:1 आपको फिनोटिपिक रेशियो मिलता है एंड 1:2:1 आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलता है. सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये. सो 9 वर वाइट फ्लावर्ड. इसमें से इन्होंने बताया है कि आपका ये जो 3:1 रेशियो मिल रहा है इसमें से 9 आर वाइट फ्लावर्ड और 35 प्रोड्यूस हुए हैं. सो द रेस्ट ऑफ देम विल बी योर पर्पल. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस पर्पल फ्लावर्ड प्रोजेनी इज एक्सपेक्टेड टू बी प्योर पर्पल फ्लावर्ड? यानी जो ये हमें 3 मिल रहा है इसमें से व्हाट विल बी द रेशियो और व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ योर प्योर पर्पल फ्लावर्ड? तो प्योर पर्पल कौन से होंगे? जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे. सो 3 में से 1/3 विल बी योर प्योर, 1/3 विल बी योर प्योर पर्पल फ्लावर्ड. अगर यहां पे पूछा जाता दैट द वंस दोज हु आर हेटरोजाइगस फॉर पर्पल कलर, सो 2/3 वुड बी योर आंसर. अगर हेटरोजाइगस पर्पल पूछे जाते या इम्प्योर पर्पल, ये भी ध्यान रखेंगे, टर्म इम्प्योर कैन ऑल्सो बी यूज, इम्प्योर पर्पल फ्लावर, पर्पल फ्लावर. तो अगर आपसे इम्प्योर पूछा जाता देन दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. 2/3 आउट ऑफ 3, 2 आर योर इम्प्योर पर्पल फ्लावर. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे ये जो आपको 35 या 9 दिया है इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होएगा. यस, 2/3 इस नंबर से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा. सिर्फ हमें रेशियो देखना है, सिर्फ हमें रेशियो देखना है. इज इट क्लियर? बहुत इजी था? यस, बहुत आसान सा था. ऐसे ही डाईहाइब्रिड क्रॉस से भी क्वेश्चन आ सकता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस से भी क्वेश्चन आ सकता है. तो जेनेटिक्स में अगर आप क्रॉसेस देख लेते हैं तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर क्रोमोसोमल म्यूटेशन का क्वेश्चन है. ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है. तो यहां पे आपको जीन सीक्वेंस एक दिया हुआ है, सेंट्रोमियर इज देयर इन द बिटवीन, जी एच आई जे जीन्स एक साइड पे हैं और के एल एम एन जीन आर ऑन द अनदर साइड. तो यहां पे आपको मैच करना है. तो पहला ऑप्शन देखिए, ये आपका ऑप्शन से मैच हो जाएगा. देन जी एच आई जे, यहां पे ये जो जे सेगमेंट है वो इधर चला गया है और के एल सेगमेंट इधर आ गया है. सो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन. सभी को पता होगा अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है इन्वर्जन प्रोसेस में, दिस इज नोन एज पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन. और अगर सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे सेंट्रोमियर है और इन्वर्जन किसी इस पार्ट में हो रहा है, सो दैट विल बी योर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन. पैरासेंट्रिक इन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व योर सेंट्रोमियर एंड पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन इन्वॉल्व योर सेंट्रोमियर. एनिमल फिजियोलॉजी की आज नहीं होगी क्लास, आज नहीं होगी. डोज ऑफ बायोलॉजी आज नहीं होगी, एनिमल फिजियोलॉजी की क्लास. ओके, सो दिस विल बी मैच टू. आप चैनल सब्सक्राइब करिए, जो भी क्लासेस जब भी हुआ करेंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है? इज इट फाइन? डोज ऑफ बायोलॉजी इज इट ओके? तो जब भी जो भी क्लासेस होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन विल बी योर फॉर पी. देन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला देखने की कोशिश करिए. नाउ इसमें क्या हो रहा है? यस, इसमें क्या हो रहा है? जी आई जे सेगमेंट, आई जे सेगमेंट यहां से हट गए हैं एंड के एल एच आई एम एन, के एल एच एल सेगमेंट और आई सेगमेंट एक साइड से रिमूव होके अनदर साइड, दे हैव मूव्ड ऑन टू द अनदर साइड. सो दिस इज योर ट्रांसलोकेशन. यहां पे क्या हो रहा है प्रोसेस? इट इज योर नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या हो रहा है? यहां पे के एल सेगमेंट का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है. एज इट इज समझ में आ रहा होगा देख के, KL सेगमेंट का ड्यूप्लीकेशन हो रहा है. सो दिस विल बी मैच टू योर टैंडम ड्यूप्लीकेशन, टैंडम ड्यूप्लीकेशन से मैच हो जाएगा. नाउ इन द फोर्थ वन और इन द S पार्ट, व्हाट इज हैपनिंग इज आई जीन सेगमेंट गेट्स डिलीटेड, आई जीन सेगमेंट यहां से डिलीट हो रहा है. सो दिस विल बी मैच टू योर डिलीशन. तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, P3, Q4, R1 एंड S2, D ऑप्शन इज करेक्ट. यस, D ऑप्शन इज करेक्ट.
इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा, बस पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक में ये ध्यान रखिएगा कि पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन में आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में आपका सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है। इस पर विनीत सर का एक लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा है, वो देख लीजिएगा। अगर किसी को भी इन डिटेल पढ़ना हो तो विनीत सर का एक लेक्चर यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे उन्होंने एक लेक्चर दिया था, यू कैन लुक ऑन टू दैट लेक्चर। इज इट फाइन? ठीक है, आई होप क्लियर हो, कोई भी डाउट ना हो। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी दूसरा क्वेश्चन, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपका, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल मोनोसोमी, है ना, तो इसको पढ़ लीजिएगा। सो मैच द न्यूक्लियाई स्टेटस ऑफ म्यूटेंट प्लांट विद द टिपिकल क्रोमोसोम नंबर व्हेन द वाइल्ड प्लांट टाइप प्लांट स्पीशीज इज हैविंग 2n इज इक्वल टू 46। 2n इज इक्वल टू 46, तो इससे हम हैप्लॉइड जीनोम कंटेंट निकाल सकते हैं। सो n विल बी इक्वल टू 23, यानी मोनोप्लॉइड विल बी मैच टू 23, मोनोप्लॉइड विल बी मैच टू 23, ट्रिप्लॉइड क्या होगा, दैट इज 3 × 23, ट्रिप्लॉइड इज 69, ट्रिप्लॉइड विल बी मैच टू 69। देन व्हाट इज ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्या है, ट्राइसोमी इज 2n प्लस 1, दैट इज योर 46 प्लस 1, दैट विल बी मैच टू 47, 47। एंड मोनोसोमी, व्हाट इज मोनोसोमी, दिस इज 2n माइनस 1, दैट इज 46 माइनस 1 विच इज 45। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, P3Q4R2N S1, सी ऑप्शन। ओके, प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन पे। ओके, सुमित्रा जी, अगर आपने आशीष सर का लेक्चर देखा हो, अभी रीसेंट लेक्चर है आशीष सर का, तो उसमें उन्होंने एक बुक सजेस्ट की है प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन के लिए। हैव यू सीन दैट लेक्चर सुमित्रा जी, हैव यू सीन दैट लेक्चर? आशीष सर का आपने लेक्चर देखा है, व्हाट टू रीड इन सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, हैव यू सीन और नॉट, यस और नो? नहीं तो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट लेक्चर। उसमें सर ने एक बुक सजेस्ट की है, प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन पे, तो उसको रीड करने की कोशिश करिएगा। एज अ स्टोरी आप उसको जस्ट रीड करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे उससे रिलेटेड, है ना। यहाँ पे यस बाय अर्चना सिंह, यस वेरी करेक्ट। तो प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन एक बुक है, आप उसको गो थ्रू कीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे। नाइट्रोजिनेज से पहले, राशि जी, नाइट्रोजिनेज से पहले एक लेक्चर हुआ था जिसमें दैट इज योर व्हाट टू रीड इन सिस्टम फिजियोलॉजी, व्हाट टू रीड इन सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट्स, है ना। तो उसमें उसमें सर ने बताई है आपको एक बुक, प्लांट पैथोजन इंटरैक्शन बाय अर्चना सिंह। ओके, तो उसको आप गो थ्रू करिएगा, तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, देखिए डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन है, तो टू मार्क्स में मेनली या तो आपके मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं या आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यही दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यस वेलकम, यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। नाउ दिस बीटा ग्लूकोरोनिडेज जीन विच इज योर गस रिपोर्टर जीन, तो यहाँ पे सारे आपके रिपोर्टर जीन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं और आपको इनके सोर्स के साथ मैच करना है, रिपोर्टर जीन को सोर्स के साथ मैच करना है। तो जीएफपी तो सभी को पता होगा, इट इज द सोर्स ऑफ जीएफपी इज योर एकोरिया विक्टोरिया विच इज जेलीफिश। नाउ सो क्यू विल बी मैच टू फर्स्ट एंड व्हाट डज इट डू, इट प्रोवाइड्स फ्लोरेसेंस। नाउ दिस गस रिपोर्टर जीन, इट द सोर्स ऑफ दिस इज ई कोलाई है आपका गस रिपोर्टर जीन का सोर्स, और ये फ्लोरीमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है। एक वीडियो बना सकते हैं क्या नेट पर्सपेक्टिव से, किस चीज से रिलेटेड मणिकांता जी, किस चीज से रिलेटेड वीडियो, क्या टॉपिक बोल रहे हैं? सो नाउ दिस योर आर विच इज फॉर ल्यूसीफरेज, इसका सोर्स है आपका फोर्टिनस स्पाइरालिस,
फोर्टिनस पायरालिस, और ये क्या होगा, वट विल बी योर दिस, दिस इज ल्यूमिनेसेंस, इन्वॉल्व इन ल्यूमिनेसेंस. ये आपका मिलता है फायरफ्लाई में, दिस ल्यूसीफरेज, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई में. ओके, प्लांट पैथोलॉजी, ओके, वील सी टू इट, वील सी टू इट, नीड नॉट टू वरी, उस पर भी वीडियो बन जाएगा, नीड नॉट टू वरी. ओके फाइन, नाउ दिस क्लोरम फेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज, कैट, कैट, दिस इज ऑल्सो, द सोर्स इज इकोलाई, द सोर्स इज इकोलाई, एंड इट इज द डिटेक्शन एसे फॉर दिस इज रेडियो एक्टिव एसे, रेडियो एक्टिव एसे. सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? मैचिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये याद रखिएगा कि ये जो आपका ल्यूसीफरेज होता है ये फायर फ्लाई में मिलता है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस, यस, रेडियो एक्टिव एसे, रेडियो एक्टिव एसे. और जी इस पे भी बहुत क्वेश्चन आए, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन पे. तो ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन को तो आप याद ही कर लीजिए कि इट द सोर्स ऑफ दिस जीन इज योर एकोरिया विक्टोरिया, विच इज अ जेली फिश, विच इज अ जेली फिश. ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा इतना, याद रहेगा इतना. और ये फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है, फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है. इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? यस, जेली फिश. एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, बचपन से सभी लोग पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रही हूं मैं आप लोगों के लिए, डिक्रीजिंग एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ डिजोल्व CO2 कंपेयर टू डिजोल्व O2. तो क्या ग्लोबल वार्मिंग सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है? ग्लोबल वार्मिंग सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है इन प्लांट्स? यस और नो? यस और नो? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. डी इज द करेक्ट आंसर. सो यस, इट अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिजोल्व CO2. It decreases the solubility of dissolved CO2 as compared to dissolved O2. Now, decreasing oxygenase activity of rubisco relative to carboxylation. तो ऐसा नहीं होता है, rubisco पे कोई effect नहीं होता है, rubisco की activity same रहती है. Now, enhancing the ratio of CO2 to O2 in air equilibrated solution. तो नहीं, एयर में कोई इफेक्ट नहीं होता है ग्लोबल वार्मिंग का, एयर में इफेक्ट, यानी जो रेशियो है CO2 और O2 का उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग फोटो रेस्पिरेशन विच इज अ काइंड ऑफ अ वेस्टफुल प्रोसेस फॉर प्लांट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन विच इज अ वेस्टफुल प्रोसेस उसको इन्हेंस कर देता है और फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है, फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है, यानी हमारा आउटपुट बढ़ा देता है, आउटपुट बढ़ा देता है और इनपुट कम कर देता है. यानी इनपुट क्या है? इनपुट का मतलब है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू हमारा फूड बनेगा, उस इनपुट को ये कम करके आउटपुट यानी वेस्टफुल प्रोसेस विच इज योर फोटो रेस्पिरेशन उसको बढ़ा देता है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो पी एंड एस आर योर करेक्ट स्टेटमेंट, पी एंड एस आर योर करेक्ट स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? इनहांसिंग द रेट ऑफ CO2 टू O2 इन एयर इक्विलिब्रेटेड सोल्यूशन. देखिए यहां पे लिखा है ना, इक्विलिब्रेटेड सोल्यूशन, इक्विलिब्रेटेड सोल्यूशन में इनहांस नहीं करेगा, ओवरऑल इनहांस करेगा. जब इक्विलिब्रियम है किसी भी सोल्यूशन में, सोल्यूशन की यहां पे बात हुई है, तो इक्विलिब्रियम है जब किसी भी सोल्यूशन में, तो उसमें CO2 और O2 का रेशियो कॉन्स्टेंट होगा, बराबर होगा, है ना. तो ओवरऑल एयर की अगर हम बात करें तो उसमें अमाउंट CO2 का बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का कम हो जाता है, बट यहां पे इक्विलिब्रेटेड सॉल्यूशन की बात हुई है तो इसमें इट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रेटेड सॉल्यूशन अमाउंट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17. ओके, स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ईदर ट्रू और फॉल्स, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो यहां पे सेल्फ साइकिल से प्लस फोटोसिंथेसिस से मिक्स्ड टाइप से आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा ट्रू है और कौन सा
फॉल्स है. तो पहला स्टेटमेंट देखिए, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन डिपेंड्स ऑन साइक्लिन एंड सीडीके. साइक्लिन्स एंड सीडीकेज आर इन्वॉल्व. और जब यहां पे साइक्लिन और सीडीके की बात हुई है तो सभी फेसेस में एस फेज, एम फेज, जी वन फेज, जी टू फेज, जी नॉट फेज, सभी के आप लोगों को टिप्स पर होने चाहिए साइक्लिन और सीडीके. सभी के टिप्स पर होने चाहिए साइक्लिन और सीडीके. तो ये पढ़ लीजिएगा. एंड प्रोटीएज एक्टिविटी, सो दिस इज ट्रू. नाउ दिस इज ट्रू. द नेक्स्ट वन, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस O2. ये यहां तक ठीक है. एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय फोटोसिस्टम वन. तो फोटोसिस्टम वन के पास नहीं इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, बट इट इज रिक्वायर्ड बाय PS2. PS2 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ. 680 नैनोमीटर्स वेवलेंथ. तो PS2 के पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. द नेक्स्ट वन, फोटोरेस्पिरेटरी रिएक्शन अकरिंग इन ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन पाथवे C2 पाथवे इन्वॉल्व्स अ कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग थ्री ऑर्गेनल्स. तो C2 पाथवे जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें तीन ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल थ्री आर इन्वॉल्व. तो ये फॉल्स था, ये ट्रू है. नाउ इथाइलीन एक्ट एज अ प्रमोटर ऑफ सेनेसेंस. तो ये बिल्कुल ठीक है. इट इज अ काइंड ऑफ राइपनिंग हार्मोन. इट इज राइपनिंग हार्मोन. तो ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है. वेयर एज साइटोकाइनिन एक्ट एज इट्स एंटागोनिस्ट. साइटोकाइनिन जस्ट इसके ऑपोजिट एक्ट करता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ओनली क्यू स्टेटमेंट इज फॉल्स, रेस्ट ऑफ ऑल आर ट्रू. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी डाउट? किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट? नाउ द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट देखिए, ये इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन है. टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है. कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं? वेरी गुड आफ्टरनून निधि जी. कितने टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं? सो मेनली बेसिकली देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. सिक्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है. द फर्स्ट वन इज योर रैसिमोस. पहला रैसिमोस, दूसरा साइमोस, साइमोस, तीसरा कंपाउंड. द फोर्थ वन इज योर वर्टिसिलास्टर. एंड द फिफ्थ वन इज योर हाइपेंथोडियम. एंड द लास्ट विच इज लेफ्ट इज योर साइथियम. तो मेनली इन्हीं के सब टाइप्स भी होते हैं, तो मेनली इनको आपको पढ़ना जरूरी है. ये सारे सिक्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन सभी की स्टडी करना जरूरी है. तो यहाँ पे अगर आप जब ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके डिफरेंट डायग्राम्स भी होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये कौन सा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है. वेरी गुड आफ्टरनून सोनिया जी, वेरी गुड आफ्टरनून. तो अगर आप मैच करने की कोशिश करिए, ऑप्शंस देखिए यहाँ पे. यस, तो सबसे पहला अगर हम मैच करते हैं पी का, अगर हम मैच करते हैं, सो दिस पी विल बी मैच टू योर, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा. यस, नाउ दिस पी विल बी मैच टू योर थर्ड. दिस इज कंपाउंड डिटर्मिनेट. दिस पी विल बी मैच टू योर थर्ड कंपाउंड डिटर्मिनेट. इसका जस्ट डायग्राम से ही समझ में आ रहा है. यस, अंबल. अगर अंबल को आप देख रहे हैं, सारे ऑप्शंस इसमें दिख नहीं पाएंगे एक साथ. नाउ जस्ट अ सेकेंड. यस, पी विल बी मैच टू योर थर्ड. दिस इज योर कंपाउंड डिटर्मिनेट. ये कंपाउंड डिटर्मिनेट का डायग्राम है. देन रेसीम का डायग्राम. दिस इज योर रेसीम डायग्राम. दिस क्यू इज फॉर ड्रेसिंग, जिसमें क्या होता है, एक एक्सेस ग्रो करती रहती है और उसके जितने भी यंग बर्ड्स होते हैं वो आपको टिप पे मिलते हैं, है ना. द एक्सेस इट ग्रोस परमानेंट, ग्रो करती है एक एक्सेस और जितने भी यंग बर्ड्स हैं वो आपको उसके टिप्स पे मिलते हैं. नाउ दिस आर इज फॉर योर स्पाइक. ये स्पाइक टाइप का इनफ्लोरेसेंस है. एंड दिस एस इज फॉर अम्बल, अम्ब्रेला शेप इनफ्लोरेसेंस.
अम्ब्रेला शेप्ड इनफ्लोरेसेंस। तो अगर आप सिर्फ इनफ्लोरेसेंस भी आप अगर पहचान लेते हैं तो एग्जाम्पल्स अगर नहीं भी याद हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इन सब के, तो सारे एग्जाम्पल्स याद रखना जरूरी नहीं है। बट याद रखना क्या जरूरी है, डायग्राम के बेसिस पे आपको इनफ्लोरेसेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो एस तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस अम्ब्रेला शेप्ड इनफ्लोरेसेंस इज योर अम्बल, अम्बल, अम्ब्रेला शेप्ड इनफ्लोरेसेंस इज अम्बल। ठीक है, क्लियर है, कोई भी डाउट? अम्बल और स्पाइक आप ध्यान रखिए, स्पाइक कुछ इस तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन में फ्लावर्स साइड बाय साइड अल्टरनेटिवली ग्रो करते हैं, और अम्बल का ध्यान रखिए। यस, ओनली अम्बल सही हो गया। यस, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ योर गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो माइक्रोस्पोरोसाइट से माइक्रोस्पोर बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस, माइक्रोस्पोरोसाइट यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ योर मियोसिस, मियोसिस। नाउ नेक्स्ट, बाय माइटोसिस इट इज डिफ्रेंशिएटेड, each microspore is differentiated into vegetative cell and generative cell, generative cell, cell, vegetative cell में growth होगी तो क्या बनेगा, pollen tube बनेगा, pollen tube बनेगा, vegetative cell में growth होगी तो pollen tube का formation होगा, और generative cell में mitosis further happens to give rise to your sperm cells, स्पर्म सेल्स। तो यहां पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो माइक्रोस्पोरोसाइट यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, तो चार माइक्रोस्पोर बनेंगे, ईच माइक्रोस्पोर विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जेनरेटिव सेल ईच, देन वेजिटेटिव सेल विल ग्रो फर्दर टू फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और जेनरेटिव सेल में फर्दर माइटोसिस होती है तो टू स्पर्म सेल्स बनते हैं। सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, सभी लोगों ने सही आंसर किया है, सभी लोगों ने ठीक आंसर किया है। तो यह भी बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, यह भी बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पे अगर आप प्लांट सक्सेशन, बाकी सब अगर नहीं भी पता है, बट अगर आप प्लांट सक्सेशन की डेफिनेशन मैच कर सकते हैं, सो दैट वुड बी हेल्पफुल, दैट वुड बी हेल्पफुल। तो प्लांट सक्सेशन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन की क्या डेफिनेशन है? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया बाय डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज फ्रॉम देयर बर्थ टू मैच्योरिटी। तो पहला ही मैच हो जाता है आपका प्लांट सक्सेशन के साथ, सो P4, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बट ये सारे टर्म्स भी पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। सो द मेजर इकोलॉजिकल यूनिट ऑफ वेजिटेशन इज योर फॉर्मेशन, मेजर इकोलॉजिकल यूनिट ऑफ वेजिटेशन इज योर फॉर्मेशन, द स्मॉल यूनिट ऑफ प्लांट एसोसिएशन दिस इज योर consociation, small unit of plant association is your consociation, and subdivision of plant association which is related to minor differences in temperature and moisture relation, this is your fasciation, this is your fasciation. So C option is correct, C option is correct. So this was all about your 2014 botany's gate question paper. आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों आप सभी लोगों को, आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हों। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। और आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, हमारा CSIR का बैच जो कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल सिस्को पे होता है वो शुरू हो चुका है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 16 दिसंबर, 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें दो यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं, डाइवर्सिटी की यूनिट और अब उसमें शुरू होने वाली है प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट, प्लांट की यूनिट्स शुरू होने वाली है।
तो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो आई होप यू ऑल लाइक द लेक्चर. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो अब हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे को. आई विल बी मीटिंग यू ऑल ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को हम 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे. फ्राइडे को हम 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे. 2003 का सुमित्रा जी देखिए, उसकी ऑफिशियल एक तो आंसर की नहीं अवेलेबल होती है, प्लस दैट बहुत ही पुराना है, अब पैटर्न बहुत ही चेंज हो चुका है. तो अगर आप पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो उससे तो हो भी सकता है कि कुछ ना कुछ वापस से आ जाए, बट 2003 की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही पुराना हो गया, उसको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है. टेलीग्राम के चैनल पे आप सर्च करिए त्रियंबक लाइफ साइंसेस, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक. आपको आप सर्च करिए त्रियंबक लाइफ साइंसेस, आपको मिल जाएगा. ठीक है निधि जी, इज इट फाइन? सो जो कोई भी हमारा CSIR का बैच ज्वाइन करना चाहता है, CSIR 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी, तो वो कॉल कर सकता है. इज इट क्लियर? सो सी यू ऑल ऑन फ्राइडे एट द सेम टाइम 11:30 विथ 2015 क्वेश्चन पेपर. 2015 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? लिंक आई एम टेलिंग यू, त्रियंबक लाइफ साइंसेस, त्रियंबक लाइफ साइंसेस, इसको सर्च कर लीजिए. ठीक है, ओके, फाइन. सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ाई करते रहिए, है ना. मिलते हैं आपसे फ्राइडे को. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. Thank you so much for joining me.